हेलो स्टूडेंट, हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री कवर कर रहे थे। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में हम लोग थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कवर कर रहे थे। कौन सी यूनिट को कवर कर रहे थे? थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों ने बीबीटी कवर कर रखा था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को कवर करेंगे। देखो जरा, मैंने बोर्ड पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड पे जिन थ्योरी का यूज़ किया जाता है, बोर्ड पे मैंने लिख दी है वो थ्योरी को। कौन कौन सी थ्योरी है? बीबीटी, सीएफटी एंड एलएफटी। बीबीटी का मतलब क्या? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सीएफटी का मतलब क्या? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एलएफटी का मतलब क्या? लिगेंड फील्ड थ्योरी। क्लियर है इतना? चलो देखो, चलो हम लोग इन्हें समझने से पहले, सबसे पहले हम लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, इस पर आज वर्क करेंगे। सीएफटी के बारे में बात करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब समझने की कोशिश करना, इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने से पहले आप थोड़ी चीज़ समझो, थोड़ी सी बेसिक समझो। देखो चलो, कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दिया जाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है। कैसा है? ऑक्टाहेड्रल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा होगा, उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, है ना, और कितने लिगेंड होंगे बोलो? 6 लिगेंड होंगे। ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो सेंट्रल मेटल एटम होगा, तो सेंट्रल मेटल एटम होता है और 6 लिगेंड हुआ करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है या फिर ये न्यूट्रल हो सकता है। ठीक, उसके बाद यदि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर होता है तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 लिगेंड होते हैं। फिर से सुने, यदि कोई कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो या फिर स्क्वायर प्लेनर हो तो सेंट्रल एटम के साथ कितने लिगेंड जुड़े होंगे? 4 लिगेंड जुड़े होते हैं। क्लियर है? ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड जुड़े होते हैं, और अगर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर होता है तो वो 4 लिगेंड जुड़े होते हैं। ये आपको सबको पता है, आप लोगों ने ये सब कुछ जान रखा है। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं फिर से, है ना। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना ध्यान से, मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड से मिलकर बने होते हैं। यही मतलब है, कहने का यही मतलब है ना, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम ही तो थे बिग ब्रैकेट के अंदर। चल अब मेरी बात सुनना जरा, समझना ध्यान से। पहले तो थ्योरी बीबीटी आई थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी। उसके बाद जब बीबीटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के करेक्टरिस्टिक्स की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई, फिर क्या आई? सीएफटी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। जब सीएफटी आ गई तो सीएफटी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स 100% एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाती हैं। उसके बाद कौन सी थ्योरी आई? एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी आ गई। ठीक है, चलिए बीबीटी में ये कहा गया था। बीबीटी में क्या था? आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी बीएफटी के बारे में, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। बीबीटी में क्या कहा गया था? बीबीटी में ये कहा गया था कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच जब भी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जुड़ते हैं तो इस जुड़ने में लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच ओवरलैपिंग होती है। फिर सुने, जब भी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जुड़ते हैं, पास आते हैं, क्लोज आते हैं, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग के द्वारा एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बीबीटी क्या कहती है? सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में ओवरलैपिंग होती है, और उसके द्वारा बताओ कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? ओवरलैपिंग के द्वारा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? बोलो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब जैसे समझने की कोशिश करना, बीबीटी ये कहती है कि जैसे मान लेते हैं ये मेटल है, मेटल का एक ऑर्बिटल है, लिगेंड के साथ ये ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैपिंग के द्वारा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ये क्या वैसे भी आपको पता है, ओवरलैपिंग के द्वारा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है ना। फर्दर इसने बोला, ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें थोड़े थोड़े आयनिक करेक्टर हो सकते हैं, इसलिए इसने कहा ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब जस्ट समझने की कोशिश करना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होता है? चलो फिर से लिख देते, जैसे मान लेते हैं एक कंपाउंड बना देते हैं FeCN6। ठीक है, FeCN6 3- लिखें या 4- लिखें, आपको जो भी उचित लगे वो लिख लें। जैसे मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, है ना, आपको अगर ऐसा लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं K4FeCN6। ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, नीचे वाला अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड है तो इसमें जो सेंट्रल एटम होता है आपको पता है Fe होता है बोलो, और ये क्या होता है? लिगेंड होता है। ये मेटल है, Fe मेटल है और ये लिगेंड है,
है ना। और आपको ये पता है, बहुत अच्छे से पता है, जितने भी मेटल होते हैं मैक्सिमम मेटल की टेंडेंसी होती है आयनिक कंपाउंड बनाने की। क्या मैंने कहा? मेटल की टेंडेंसी होती है आयनिक कंपाउंड बनाने की, कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करने की नहीं। लेकिन बीबीटी क्या कहती है? बीबीटी ये कहती है कि मेटल मेटल और लिगेंड के बीच में ओवरलैपिंग से कोवलेंट कंपाउंड हो रहा है। लेकिन आपको पहले से पता है कि मेटल क्या करते हैं, मेटल क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। उनमें बिल्कुल टेंडेंसी नहीं होती है कोवलेंट कंपाउंड बनाने की, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की बहुत कम टेंडेंसी होती है। बात समझ में आ रही है? तो बीबीटी से जब पूछा गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछा गया, जरा बताइएगा कि ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, जबकि यहां पे मेटल यूज होता है, ये लिगेंड है, मेटल ने कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म कर दिया? तो बीबीटी के पास, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, है ना। इस यही रीजन है कि बीबीटी क्या कर रही थी, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मैग्नेटिक करेक्टर को, मैग्नेटिक करेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। बीबीटी बता रही थी ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाता तो कोई वही कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक निकल आता था। बीबीटी कह रही थी ये वाला कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल द्वारा देखा गया तो वही कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक निकल आ रहा था। मतलब कि बीबीटी कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक करेक्टर को सही से एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रही। अब जब बीबीटी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई तो एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई, एक नई थ्योरी आई जिसे हम लोग क्या बोला करते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये क्या है, सीएफटी का फुल फॉर्म क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये सबसे पहले दी गई थी आयनिक कंपाउंड के लिए। किसके लिए दी गई थी? आयनिक कंपाउंड के लिए। ये किसके लिए दी गई थी? आयनिक कंपाउंड के लिए, है ना। बड़ा सिंपल है, अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आयनिक कंपाउंड के लिए दी जाती है, क्रिस्टलों के लिए दी जाती है, जो कि सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़ते हैं, क्रिस्टल के बगैर हम किस में पढ़ते हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं, एक सॉलिड ही तो होते हैं, आप लोग फिजिक्स में सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल को पढ़ते हैं ना। क्रिस्टल कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। और फिजिक्स में माना जाता है कि जो क्रिस्टल्स जो होते हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सारे के सारे आयनिक सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं। तो ये जो थ्योरी दी गई वो आयनिक सॉलिड के लिए दी गई, इसलिए इस थ्योरी ने ये बताया कि जो कोवलेंट जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, उसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता है, उसमें बिल्कुल भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता है, उसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, प्योर इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्ड पाया जाता है, प्योर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। बीबीटी ने क्या बोला था? कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में। सीएफटी ने ये बताया मेटल और लिगेंड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। मतलब मेटल और लिगेंड, क्योंकि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देने की, और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे, पता है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पता है ना आपको, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और गुल्लू गुल्लू करके कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं? आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। क्या, कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं बोलो? आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। बात समझ में आ रही ना आपको? ये आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, है ना। मतलब कि सीएफटी ने ये बताया कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाया करते हैं। फिर सीएफटी से पूछा गया, ये बताओ जरा, लिगेंड, बहुत सारे लिगेंड नेगेटिव चार्जेबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो न्यूट्रल हुआ करते हैं। कैसे वो होते हैं न्यूट्रल? जैसे जैसे बहुत सारे लिगेंड होते हैं, जैसे NH3 हुआ, ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, H2 हुआ, ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लिगेंड है जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, वो बताओ वो कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे? तो सीएफटी ने आगे ये बताया कि जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं ना, उसका कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होता है। बिल्कुल बात सही है, किसी का भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा, इसका NH3 का भी डायपोल मोमेंट होगा। मतलब NH3 डायपोल की तरह वर्क कर सकता है, H2O डायपोल की तरह वर्क। डायपोल का मतलब क्या है? डायपोल का मतलब क्या है? मतलब एक बॉन्ड होगा,
एक एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या होता है डायपोल। डायपोल दो पोल, एक एक साइड पर पॉजिटिव दूसरी साइड पर नेगेटिव। डायपोल दो पोल, एक साइड पर पॉजिटिव दूसरी साइड पर नेगेटिव। तो डायपोल ये जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो डायपोल की तरह वर्क कर सकते हैं, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, दूसरे एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव, एक साइड नेगेटिव दूसरी साइड पॉजिटिव, ये डायपोल बन गया। ठीक है, तब आगे जब बताया गया कि मेटल और न्यूट्रल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है, जैसे समझने की कोशिश करना, मेटल है और न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड में डायपोल होगा, डायपोल का मतलब दो पोल होंगे, एक साइड नेगेटिव होगा दूसरी साइड पॉजिटिव होगा। अब बताओ जरा, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे NH3Cl है ना, समझने की कोशिश करना ध्यान से, ये NH3 है, ये डायपोल यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। अब नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में फर्दर इंट्रैक्शन होगा, या ये इंट्रैक्शन भी कैसा होगा, आयनिक इंट्रैक्शन ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो फाइनली CFT ने क्या बताया, सिंपल सी बात, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो CFT ने ये बताया कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्योर आयनिक बॉन्ड हुआ करता है। बात समझ में आ गई आपको, जर समझने की कोशिश करना ध्यान से। उसके बाद CFT ने ये भी बताया था कि हम जो लिगेंड होते हैं, जो निगेटिव चार्जेबल लिगेंड होते हैं उन्हें पॉइंट चार्ज, मतलब जो भी चार्जेबल पार्टिकल होते हैं उन्हें पॉइंट चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉइंट चार्ज माना करते हैं। लेकिन इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लिगेंड जो भी चार्जेबल होते हैं, नेगेटिव चार्जेबल होते हैं, इसे पॉइंट चार्ज बोलेंगे ना, पॉइंट चार्ज बोलेंगे, इसे डायपोल बोलेंगे। न्यूट्रल लिगेंड को क्या बोलेंगे हम लोग, डायपोल बोलेंगे। क्लियर हो गया इतना? नेगेटिव लिगेंड को पॉइंट चार्ज, CFT में नेगेटिव लिगेंड को पॉइंट चार्ज, एंड न्यूट्रल लिगेंड को क्या बोला करते हैं हम लोग, डायपोल बोला करते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको? तो CFT के अनुसार मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, बोलो, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। BBT के अनुसार कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन आपको ये पता है कि कोई भी बॉन्ड प्योर 100% आयनिक भी नहीं हो सकता और 100% कोवलेंट भी नहीं हो सकता। मैंने ये बात आपको फजांस रूल में बताई थी, बोलो, मैंने आपको ये वाली बात फजांस रूल में बताई थी। कोई भी बॉन्ड जो होता है वो 100% ना तो आयनिक हो सकता है ना ही कोवलेंट हो सकता है। तो फजांस के नियम के अनुसार, फजांस रूल के अनुसार, अगर ये वाला आयनिक बॉन्ड बनाए तो 100% ये आयनिक कैसे हो सकता? सिंपल सी बात है, नहीं हो सकता। बिल्कुल बात सही है। यहां पर मेटल और लिगेंड के बीच में जो CFT बता रही है कि 100% आयनिक होगा, ये बिल्कुल गलत बता रही है। उसके बाद ये इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए अलग से थ्योरी दी गई, जिसे क्या बोला करते हैं, लिगेंड फील्ड थ्योरी बोला करते हैं। लिगेंड फील्ड थ्योरी ने हम लोगों को एग्जैक्ट बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयनिक करेक्टर भी पाए जाते हैं और कोवलेंट करेक्टर भी पाए जाते हैं, है ना। तो CFT के अनुसार आयनिक करेक्टर होते हैं, BBT के अनुसार कोवलेंट करेक्टर होते हैं, एंड लिगेंड फील्ड थ्योरी के अनुसार क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आयनिक करेक्टर भी पाए जाएंगे और कोवलेंट करेक्टर भी पाए जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक। अब जब समझने की कोशिश करना, अब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं। अब हम लोग सेपरेटली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। जब समझने की कोशिश करना ध्यान से, इसे मिटा देते हैं। देखो जरा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब समझने की कोशिश करना, सबसे पहले हम लोग ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ेंगे क्रिस्टल थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना। सबसे पहले हम ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है आपको ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग किस कैसे कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ेंगे। जस्ट समझने की कोशिश करना ध्यान से। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, और 6 लिगेंड जुड़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होगा, उससे 6 लिगेंड जुड़े होंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाया करता है। ठीक है, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बन गया। अच्छा, समझने की कोशिश करना एक ही चीज़। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में थोड़ी सी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ लेंगे ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स के लिए। उसके बाद जो भी चीज़ें हम लोग शॉर्ट में करेंगे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हुआ, सब कुछ एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। समझने की कोशिश करना ध्यान से। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में होता क्या है, मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं,
सबसे पहले मैंने ये तो बता ही दिया आपको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उन्हें पॉइंट चार्ज माना करते हैं, है ना, जो न्यूट्रल लिगेंड हुआ करते हैं उन्हें हम लोग डायपोल माना करते हैं, और पॉइंट चार्ज और डायपोल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, यही बताया था मैंने, है ना। तो उसके आगे की कहानी सुनो, देखो मेटल के पास डी ऑर्बिटस होगा जनरली, ये जो मेटल होता है ट्रांजिशन मेटल होता है, और ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं जिनके पास डी ऑर्बिटस होता है, है ना, पता है ना आपको, ये मेटल के पास डी ऑर्बिटस होते हैं। डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और डी जेड स्क्वायर होता है, पता है ना आपको, है ना। अब जैसे ही लिगेंड इस मेटल के कॉन्टेक्ट में आता है, इस मेटल की लिगेंड जैसे ही, कितने लिगेंड आएंगे, छह लिगेंड, जैसे ही इस मेटल के कॉन्टेक्ट में आता है तभी ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे ही लिगेंड इस मेटल के कॉन्टेक्ट में आता है तो लिगेंड, सुनना ध्यान से, जैसे ही लिगेंड इस मेटल कॉन्टेक्ट में आता है तो लिगेंड और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, इन डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, फिर से सुनो, जैसे लिगेंड मेटल कॉन्टेक्ट में आता है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन या फिर लिगेंड और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाया करता है, है ना। जैसे ही रिपल्सन स्टार्ट होता है तो ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं रिपल्सन की वजह से एनर्जी बढ़ती है, बोलो, रिपल्सन की वजह से, हम यहाँ से मिटा रहे हैं, जो समझने की कोशिश करना ध्यान से, हम इसे नीचे बना रहे हैं, रिपल्सन की वजह से आपको पता है एनर्जी बढ़ती है, रिपल्सन की वजह से आपको पता है एनर्जी बढ़ती है, ये मैंने पाँचों डी ऑर्बिटल्स बना लिया, है ना, पाँचों डी ऑर्बिटल्स, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये एम है, मेटल है, इससे छह लिगेंड जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। लिगेंड जैसे ही मेटल के पास आता है ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के नेगेटिव फील्ड या फिर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं आप लोग, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रिपल्सन स्टार्ट होता है इसकी एनर्जी, रिपल्सन की वजह से एनर्जी बढ़ती है, आपको पता है ना, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी घटती है और रिपल्सन की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, और लिगेंड के फील्ड या लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होता है तो इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाया करती है, पांचों डी ऑर्बिटल एक्साइटेड हो जाते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है और ये एक्साइटेड हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, ये एक्साइटेड हो जाते हैं, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एक साथ एनर्जी बढ़ जाया करती है। सुनना ध्यान से, समझना, कैसे क्या बन जाएगा, डी एक्स वाई बन जाएगा, ये डी बाई जेड बन जाएगा, ये डी जेड एक्स बन जाएगा, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, उसका ये डी जेड स्क्वायर, मेरी बात समझने की कोशिश करना ध्यान से। अब ये एक्साइटेड डी ऑर्बिटस हैं, पांचों यहाँ पे ये डी जनरेट ऑर्बिटस होते हैं, पांचों डी जनरेट ऑर्बिटस हैं, डी जनरेट ऑर्बिटस क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी सेम हुआ करती है, ठीक है, ये पांचों डी जनरेट ऑर्बिटस हैं, लिगेंड की प्रेजेंस में, लिगेंड की रिपल्सन की वजह से इन पांचों डी ऑर्बिटस की एनर्जी बढ़ गई, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, पांचों डी ऑर्बिटस की एनर्जी बढ़ गई, इसे हम बोला करते हैं एक्साइटेड डी ऑर्बिटस, क्या बोलेंगे, एक्साइटेड डी ऑर्बिटस, क्लियर है, इसे डी जनरेट, इसे ये ग्राउंड स्टेट के डी ऑर्बिटस है, ये क्या है, एक्साइटेड डी ऑर्बिटस, यहां पर भी ये डी जनरेट है और यहां पर भी डी जनरेट, पांचों डी ऑर्बिटस की समान एनर्जी, इसलिए डी जनरेट ऑर्बिटल यहां पर भी है, लेकिन फिर से रिपल्सन लिगेंड का वर्क करता है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लिगेंड का रिपल्सन फिर से कैसे वर्क करता है, है ना, फिर से रिपल्सन लिगेंड का वर्क करता है, उस रिपल्सन की वजह से ये जो एक्साइटेड डी ऑर्बिटस हुआ करते हैं वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाए करते हैं, दो सेट्स में ब्रेक हो जाए करते हैं, एक तीन ऑर्बिटल का एक सेट बन जाता है और एक दो ऑर्बिटल का सेट बन जाया करता है, तीन पार्ट यहां से ब्रेक हो जाता है, जैसे समझने के यहां से, है ना, कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स का एक डी सेट बन जाता है और दूसरा सेट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का बन जाता है। इस तीनों डी ऑर्बिटल्स को, ये तीनों डी ऑर्बिटल्स को T2g ऑर्बिटल बोला करते हैं, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स के लिए इन तीनों डी ऑर्बिटल्स को क्या बोला करते हैं, T2g ऑर्बिटल बोला करते हैं, और ये जो दो ऑर्बिटल आए इन्हें क्या बोला करते हैं, Eg ऑर्बिटल बोला करते हैं, क्या बोला करते हैं हम लोग, Eg ऑर्बिटल बोला करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, फिर से सुनो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, देखो जरा,
आपकी ट्रांजिशन मेटल में, ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। डी ऑर्बिटल के साथ छह लिगेंड मिलकर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, छह होती है। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, छह हुआ करते हैं, ठीक है। अब ये डी ऑर्बिटल्स जो होंगे, ये जो डी ऑर्बिटल्स होंगे, किसकी डी ऑर्बिटल्स है, ये ट्रांजिशन मेटल की डी ऑर्बिटल्स हैं। इनके पास लिगेंड जाएंगे, तो लिगेंड की इलेक्ट्रॉन्स या लिगेंड की फील्ड या फिर लिगेंड वह डी ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांजिशन मेटल है उसके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बीच में रिपल्शन होता है। उस रिपल्शन की वजह से, आपको पता है रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ती है, उस रिपल्शन की वजह से इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। इसे बोला करते हैं एक्साइटेड डी ऑर्बिटल्स। क्या बोला करते हैं हम लोग, एक्साइटेड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब सुनना, अच्छे समझना, होता क्या है, पहले तो ये एक्साइटेड होते हैं, उसके बाद लिगेंड फिर से रिपल्शन स्टार्ट कर देता है। अब ये रिपल्शन कैसे होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, है ना, या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिर से रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, हो जाया करता है। इस रिपल्शन में होता क्या है, एक्सियल जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या मैंने कहा, एक्सियल जो डी ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाया करती है, और जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी घट जाया करती है। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसे हम लोग आगे कवर करेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट में कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसकी वजह से, लिगेंड की ज्यादा रिपल्शन की वजह से, और नॉन एक्सियल जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी घट जाया करती है, ठीक है। तो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स यही है ना, इन्हें हम लोगों ने T2G बोला। अरे भाई, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स का मतलब क्या, जो एक्सिस पे नहीं बने हैं, ऐसे डी ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पे नहीं बने, ये एक्सिस बने होते, लास्ट लेक्चर में यही तो बताया था मैंने आपको, है ना, ये एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाया करती है। तो ये दो पार्ट में, दो सेट्स में ब्रेक हो जाते हैं, एक सेट्स को T2G बोला करते हैं, दूसरे सेट को EG बोला करते हैं। EG में बताओ कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, दो होते हैं, एक का नाम है dx²-y², दूसरे का नाम है dz², नीचे वाले का नाम है dxy, मतलब T2G में कौन सा, dxy, dyz एंड dzx। ये होता है बैरी सेंटर, ये क्या होता है आपका, ये इसकी एनर्जी को हम क्या बोले, बैरी सेंटर, ये बैरी सेंटर होता है। बैरी सेंटर से नीचे, नीचे किसकी एनर्जी है, T2G की एनर्जी है। बैरी सेंटर से नीचे किसकी एनर्जी है, T2G की एनर्जी है, और बैरी सेंटर से ऊपर किसकी एनर्जी है, TEG की एनर्जी है। बात समझ में आ रही है ना। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा, इन ऑर्बिटल्स में, ये ग्राउंड स्टेट के डी ऑर्बिटल्स हैं, ये एक्साइटेड स्टेट की डी ऑर्बिटल्स हैं, और ये ईजी ऑर्बिटल्स हैं, dx²-y² और dz²। स्प्लिटिंग हुई, मतलब डी ऑर्बिटल्स का टूटना क्या कहलाता है आपका, स्प्लिटिंग कहलाता है। डी ऑर्बिटल्स का ये जो ब्रेकिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या कहलाती है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, मतलब डी ऑर्बिटल्स टूट चुके हैं, डी ऑर्बिटल्स का टूटना क्या कहलाता है आपका, स्प्लिटिंग कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हुई, तो आप बोलोगे ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद पूछे किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो आप बोलोगे बैरी सेंटर या फिर एक्साइटेड डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा तीसरे नंबर पर एनर्जी लेवल में कौन आएगा, तीसरी नंबर पर कौन आएगा, T2G आएगा, और लास्ट में डी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है। अगर हम कहें ये DGS लिख दें, डी ग्राउंड स्टेट है ना, और डी एक्साइटेड स्टेट लिख दें यहाँ पर ES, और वो TEG है, ये T2G। अगर हम एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें तो सबसे पहले बोलो, सबसे पहले EG की एनर्जी होगी बोलो, उसके बाद डी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी या बैरी सेंटर की एनर्जी होगी, उसके बाद T2G की एनर्जी होगी बोलो, उसके बाद DGS की एनर्जी, GS का मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी। तो ये डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सिक्वेंस होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो जरा समझो ध्यान से, लैंग्वेज में समझो। देखो, आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। जब अकेले बैठा हुआ था ट्रांजिशन एलिमेंट, इसकी एनर्जी सेम थी, सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी। इसकी दुनिया में आग लगाने के लिए लिगेंड आ गया, ये लिगेंड आया, लिगेंड जैसे ही आया मेटल के पास, मेटल को अच्छी अच्छी बातें बताई कि मेरे साथ जुड़ जाओ, हम बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मेटल नहीं सोचा था ये मेरी जिंदगी बर्बाद करके चला जाएगा। तो जैसे ही लिगेंड आया, इस मेटल और लिगेंड
मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के फील्ड कहें या लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कहें, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। और मेटल्स में जो डी ऑर्बिटल्स होता है, उस रिपल्शन की वजह से मेटल्स की डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाया करती है। जैसे ही बढ़ जाती है, मेटल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, जब भी रिपल्शन होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, मेटल्स की डी ऑर्बिटल एक्साइटेड हो जाता है, DES बन गया, ठीक है। जैसे ही मेटल्स का डी ऑर्बिटल एक्साइटेड हुआ, फिर से क्या किया, लिगेंड ने इसकी जिंदगी और ज़्यादा बर्बाद कर दी, लिगेंड ने और ज़्यादा रिपल्शन किया मेटल्स को, है ना, लिगेंड ने और ज़्यादा मेटल्स को बर्बाद किया। फिर क्या हुआ, ज़्यादा लिगेंड की रिपल्शन की वजह से मेटल की जो एक्साइटेड डी ऑर्बिटल्स थी वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है। एक पार्ट को बोला गया T2G, दूसरे पार्ट को बोला गया EG। जो कम एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं उसे T2G ऑर्बिटल बोला करते हैं, जो ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं उसे EG ऑर्बिटल्स बोला करते हैं। ज़्यादा एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं उसे EG ऑर्बिटल्स बोला करते हैं ना। EG ऑर्बिटल्स में दो डी ऑर्बिटल्स आया करते हैं जो एक्सियल एक्सिस पे बनते हैं, जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस पर, या एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं बोलो, DX²-Y² हुआ, DZ²। उसके बाद नॉन एक्सियल T2G में नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स आते हैं, वो कौन से हुआ करते हैं बोलो, DXY, DYZ और DZX हुआ करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देखो जरा, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आज सिर्फ शॉर्ट में समझा के आपको ऑक्टाइडल के लिए CFT शॉर्ट में समझा रहा हूँ। उसके बाद हाँ, एक और चीज़ समझ लो, इन EG और T2G के बीच में बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसे डेल्टा ओ से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, डेल्टा ओ से इंडिकेट करते हैं, है ना। ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा ओ स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो डेल्टा ओ का क्या मतलब है यहाँ पे, ओ का क्या मतलब बोलो, ओ का क्या मतलब है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, इस बेरी सेंटर से, इस बेरी सेंटर के नीचे वाली जो एनर्जी होती है, बताओ बेरी सेंटर की तो एनर्जी ज़्यादा है, नीचे की एनर्जी क्या है, कम है। तो बेरी सेंटर से नीचे वाली की एनर्जी -2.5 होती है, ऊपर कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है बेरी सेंटर से कितनी ज़्यादा है, +3/5। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, देखो जरा अब ये मत समझना, ये माइनस का मतलब कम है, ये अगर दोनों को ऐड करेंगे तो सीधा सीधा डेल्टा हो जाएगा। अरे भाई, ये डेल्टा ओ है, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2/5 + 3/5 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 डेल्टा ओ हो जाएगा, है ना। ये माइनस का मतलब कम है, ऐसा मत करना कि यहाँ से ये घटा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये माइनस का मतलब सिर्फ इंक्रीजमेंट, प्लस और माइनस का मतलब क्या है, ये ज़्यादा एनर्जी है, ये कम एनर्जी है, इसकी तुलना में कम एनर्जी है। अगर हम दोनों का सम करेंगे तो डेल्टा ओ आएगा। बात समझ में आ रही ना आपको। ये नीचे लिखा हुआ इसकी एनर्जी कम है, ये ऊपर लिखा है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्लियर है इतना। ये माइनस का मतलब ये निगेटिव वैल्यू मत समझ लेना, ठीक है। चलिए, इतनी आपको बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो अगर हम ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के लिए ये आपको जानना है कि ये एक्साइटेड कैसे हुआ, ये डी ऑर्बिटल्स एक्साइटेड कैसे हुए और एक्साइटेड डी ऑर्बिटल्स कैसे दो पार्ट में ब्रेक हो गए, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको अगर चीज़ें समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो दोबारा देख लीजिए यार, है ना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। और ये सारी फिनोमेना हम लोग डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।